আবারও বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। আজ উত্তর চব্বিশ পরগনায় একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তিনি বলেন, সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ কোনোভাবেই তাকে সন্ত্রাসের আঁতুড় ঘর বানানো যাবে না। তিনি আরো বলেন, যে দেশে বিস্ফোরক খোলা বাজারে বিক্রি হয় সেখানে কি করে অহিংসার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হবে, এটাই প্রশ্ন। ঠিক কি বলেছেন, কিভাবে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন জগদীপ ধনকর, দেখাবো আপনাদের। छः महीने में जो मैंने वार्म्थ, लव, अफेक्शन लोगों का देखा है, ऐसा जीवन में मैंने कहीं पहले नहीं देखा। कितनी टैलेंट है, कितना बड़ा कल्चर है, दुनिया के किसी भी कोने में आप कोलकाता और पश्चिम बंगाल जैसा कल्चर, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, पेंटिंग्स, म्यूजिक नहीं दिखेगा। कितने विद्वान हैं अपने यहाँ, इतने भारत रत्न आपको और कहीं नहीं दिखेंगे, इतने नोबेल लॉरियट्स नहीं दिखेंगे। ऐसे प्रांत में हम कैसे वायलेंस का अड्डा बना सकते हैं? कहीं भी ब्लास्ट होता है, मेरा दिल दहता है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं किसी को नुकसान होता है। और पता लगता है कि प्रांत में इस प्रकार से एक्सप्लोजिव्स का फ्रीली व्यापार होता रहेगा तो चुनाव किस तरीके से होंगे, नॉन वायलेंट तरीके से, हमें इन ओर ध्यान देना है।